उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पीर तिहाई लाइव। आज मैं आपको अपने गांव के बारे में बताता हूं। ये जिला मियावारी का तकरीबन आखिरी गांव है। आज मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूं। ये बात है तकरीबन 1029 हिजरी की। सैयद मोहम्मद हाशिम बुखारी वल्द सैयद जैनुल आबिदीन उच शरीफ मुल्तान से रवाना होते हैं और जिला खुशाम में आकर आबाद होते हैं। वहाँ दीन की तबलीग का काम शुरू करते हैं। 1057 हिजरी में आपके दो साहबजादे सैयद सादे बुखारी और सैयद गुलाम हुसैन आपसे इजाजत लेकर दराए सिंध के किनारे आबाद होते हैं। वहाँ छोटा सा एक गांव आबाद करते हैं जिसका नाम पीर भाई है और वहाँ दीन की तबलीग का काम शुरू करते हैं। कुछ अर्से बाद सैयद गुलाम हुसैन का इंतकाल हो जाता है। वो गैर शादीशुदा थे इसलिए उनकी कोई औलाद नहीं। सैयद सादे बुखारी के सिर्फ एक ही साहबजादे थे जिनका नाम सैयद जाफर बुखारी था। उनका मज़ार भी पीर भाई में दरिया के किनारे मौजूद है। अभी हम यहाँ जिस जगह खड़े हैं उनका नाम सैयद सादे बुखारी है। आइए अब हम उनकी ज़ियारत करते हैं। गुलाम हुसैन दोनों भाई एक ही जगह पर आराम फरमा रहे हैं। अगर ये मेरे कैमरा में दिखा सके आपको तो जो फर्स्ट वाली है वो सैयद मोहम्मद सादे बुखारी की है और वो जो सेकंड वाली है वो सैयद गुलाम हुसैन बुखारी की है। दोनों भाई एक ही जगह पर सैकड़ों सालों से तकरीबन 400 सालों से वो यहाँ पर मदफून हैं और अल्लाह की रहमत उन पर नाजिल हो रही है। यहाँ पर सालीन बड़ी दूर दराज से आते हैं, अपनी मन्नतें और हाजतें लेकर जाते हैं और उनकी पूरी हो जाती है। अगर किसी को औलाद नरीना अता ना हो तो उनकी औलाद नरीना अता हो जाती है। अगर किसी की जॉब ना लग रही हो तो उसको जॉब मिल जाती है। यहाँ पर बड़ी तादाद में झूले पड़े हैं जैसे हम अपनी मकामी जबान में पंघूड़ा कहते हैं। अगर किसी को औलाद नरीन अता ना हो रही हो तो वो इन पंघूड़ों पर मन्नत मांग कर जाता है और उनको औलाद नरीन अता हो जाती है। गांव है पीर भाई, वो जिला मियांवाली का आखिरी गांव है। दराए सिंध का किनारा भी इसके साथ लगता है। इसके अलावा दराए सवा भी इसमें गिरता है। कालाबाग डैम प्रोजेक्ट शायद आपने नाम सुना होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये किस जगह वाक़ है। ये हमारे गांव पीर भाई में वाक़ है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको उसका भी विजिट कराऊंगा। पीर भाई वो जिला मियांवाली का आखिरी गाँव है। दराए सिंध का किनारे भी इसके साथ लगता है। दराए सवा भी इसके में गिरता है। इसके अलावा कालाबाग डैम प्रोजेक्ट शायद आपने नाम सुना होगा लेकिन आपने कुछ ये नहीं पता होगा कि ये किस जगह पर वाक़ है। ये हमारे गांव में वाक़ है। में लोग दूर दराज से पिकनिक मनाने आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उर्स और मेला भी लगता है जहाँ बड़ी तादाद में सैलिन आते हैं और इसमें शिरकत करते हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से सैलिन की आमदोरफ्त मुअत्तल है। आप देख सकते हैं कि मज़ार का काम भी अभी जारी है। कोरोना वायरस की वजह से यह भी मुअत्तल हो चुका है कि हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि कोरोना वायरस की वबा जल्द ख़त्म हो ताकि हमारे गांव पीर भाई की रौनकें दोबारा से बहाल हों और यहां पर सैलिन फिर से आए।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल पीर पिहाई लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी दबा दें ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।